अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा लोगो बनाना जा रहा हूँ, आप इसको लाजमी देखें। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, नीचे बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें और लाइक भी कर लें और शेयर भी कर लें। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले हम जाएंगे इंसर्ट में। यहाँ पर इंसर्ट डिज़ाइन है, एनिमेशन है, स्लाइड है, रिव्यू व्यू। यहाँ पर सबसे पहले हम जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाएंगे शेप पे, ठीक है। शेप पे हमने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पर हम इसको ड्रा करते हैं। यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके, शिफ्ट के साथ ऐसे शिफ्ट प्रेस करके ऐसे छोड़ दें। यहाँ से इसको यहाँ से नीचे, फिर ये इस पे क्लिक कर लें, पीला जो निशान है इस पे क्लिक कर लें ऐसे, ठीक है। यहाँ से हम फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं। फॉर्मेट के बाद यहाँ पर कलर्स, सबसे पहले यहाँ पर हम कलर्स, ये देखो जो कलर आपको अच्छा लगे, मुझे ये कलर्स ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे ये कलर, ठीक है। इस पे हमने क्लिक किया, ठीक है। फिर उसके बाद शेप आउटलाइन पे जाते हैं। यहाँ पर हम नो आउटलाइन भी कर सकते हैं, यहाँ से हम आउटलाइन देते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने आउटलाइन दे दिया, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे इस इंसर्ट पे क्लिक करके यहाँ पर वर्ल्ड आर्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे जाएं, यहाँ पर लिखे जावेद वज़ीर टेक, इसको यहाँ से ड्रा कर लें। उसके बाद यहाँ से शेप फिल पे जाएं, यहाँ से आप कलर भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर्स, यहाँ से पिक्चर भी लगा सकते हैं, ठीक है। नो आउटलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। आउटलाइन भी यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। शेप इफेक्ट शेडो 3D, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट, यहाँ से हम कलर, कोई जैसा कलर हो हम यहाँ पर कलर देते हैं रेड कलर्स, ठीक है। फिर इसके बाद जाएंगे यहाँ से थोड़ा हम इसको साइज़ में, फिर यहाँ पर टेक्स इफेक्ट पे जाएंगे, शेडो है यहाँ पर, यहाँ पर इसी डिज़ाइन को या इसी को आप मुख्तलिफ डिज़ाइन है, ये देखो जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगे। मैं इस डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से हम ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट, इंसर्ट में शेप, शेप में हम यहाँ पर ड्रा करेंगे, फॉर्मेट हमने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे हम सेलेक्ट, शिफ्ट के साथ शिफ्ट, यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप करते हैं, ग्रुप हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम और भी स्टार या कोई भी इंसर्ट पे जाते हैं, शेप में
यहाँ पे हम देखते हैं, मुझे ये अच्छा लगा। ठीक है, कंट्रोल डी। ठीक है, ये से इसके साइज कंट्रोल डी, ऐसे हम शिफ्ट शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे हम कलर फॉर्मेट पे जाते हैं, कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट, इंसर्ट में शेप, शेप में यहाँ पर इंसर्ट क्लिपार्ट्स, सॉरी क्लिपार्ट्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम कंप्यूटर देखो, COMPUTER कंप्यूटर, इंटर। यहाँ पे हम हमारे पास ये सिंपल लोगो, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से इसको साइज कम करते हैं। हमारे पास लोगो रेडी हो गया। यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक, फॉर्मेट, यहाँ पे जाएंगे लाइन कर, नो कलर्स, यहाँ से लाइन स्टाइल भी आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप शेडो दे सकते हैं। ठीक है, यस सर, थ्री डी फॉर्मेट, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, कंट्रोल जेड करते हैं, थ्री डी रोटेशन, ऐसे हम कंट्रोल जेड, फिर थ्री डी रोटेशन पे क्लिक करते हैं। ऐसे हम जिस स्टाइल में आपको लोगो चाहिए आप कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड, थ्री डी फॉर्मेट, ठीक है, ये पे आप कलर में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पिक्चर, यहाँ से आप किसी कलर में, यहाँ से आप ब्राइटनेस कम कर सकते हैं लोगों का। ठीक है, ये देखो लोगों का ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, हम नहीं करते, यहाँ से क्लोज। ठीक है, यहाँ से क्लोज। ठीक है, ये लोगो कंप्लीट हो गया।